रास्ते पर जाते हुए और अक्षिता नमकीन खाते हुए। और ये जा रहे हैं हम चक्राता, ये निकल गए हैं सुबह के 5:30 बजे हम रोहिणी से। दोस्तों, अगर जून के महीने में आप कहीं भी उत्तराखंड या हिमाचल जाने का प्लान बनाते हैं तो आपको पता ही होगा बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और उसी भीड़ से बचने के लिए मैंने प्लान बनाया अपने परिवार के साथ चक्राता जाने का। ये जगह थोड़ी सी कम फेमस है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस, लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट देहरादून, मसूरी, मनाली एंड सो मैनी अदर प्लेसेस। ये जगह ऐसी है जो लोगों की नज़र में अभी नहीं आई है, जहाँ पर आपको भीड़ काफ़ी कम मिलती है। तो हमने प्लान बनाया शामली वाले रास्ते से जाने का। और हम जैसे ही घर से निकले बारिश शुरू हो गई। और ये पहुंच गए हैं हम चक्राता के पास, और वो देखिए हम वो है हमारे पास आ रहे हैं छोटे छोटे पहाड़। और ये चक्राता के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए हैं हम लोग। और अक्षिता देखिए यहाँ पे लगातार कुछ ना कुछ खाते हुए सब खा रहे हैं। देखिए गाइस, मासी चिप्स को आलू वाले चिप्स दिखाते हुए और मैं नमक पारे से अक्की को दिखाते हुए और अक्की यहाँ पे बैठ के खाते हुए तो पता नहीं। वाह 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 वाह। और ये अक्षिता बस बातें बनाते हुए। और दोस्तों, विकास नगर को क्रॉस करते ही काफ़ी सुंदर पहाड़ आने शुरू हो गए। माउंटेन्स काफ़ी हरी भरी थी और देखने में नज़ारा काफ़ी खूबसूरत था। ये देखो भाई साहब, ये अक्की ने कर दी है उल्टी गाड़ी में। अब समस्या ये थी, प्रॉब्लम ये थी दोस्तों, कि हमने कोई होटल बुक नहीं किया था, या मैं यूँ कहूँ कि हम बुक कर ही नहीं पाए क्योंकि ज़्यादातर होटल्स बुक हो चुके थे पहले ही। चक्राता छोटा सा हिल स्टेशन है और यहाँ पे काफ़ी कम होटल्स वगैरह या लॉजेज वगैरह काफ़ी कम हैं, तो हमने चक्राता जाके ही होटल बुक करने का प्लान बनाया, जो कि हमें आसानी से मिल भी गया दोस्तों। और ये इस तरह से हम काफ़ी नज़दीक पहुँच गए हैं चक्राता के, और यहाँ चाय के लिए चाय पीने के लिए रुके हैं सभी लोग। और ये देखिए, ये है बातूनी लड़की, कुछ कहेगी, क्या कहना चाहते हैं आप? लड़की से मतलब आपकी फेवरेट अक्षिता, ये तो मेरा स्टाइल है बेटो। आओ आप भी आओ, ये क्या? हेलो दोस्तों, लगभग 2:30 बजे हम चक्राता पहुंच गए। एज एक्सपेक्टेड होटल तो हमें नहीं मिला, लेकिन हमें एक छोटा सा होम स्टे मिला, जहाँ पर कमरे काफ़ी नीट एंड क्लीन थे दोस्तों। हमने फटाफट से अपना लगेज रखा और निकल गए हम टाइगर वाटरफॉल के लिए। सो गाइस, देखिए अब हम आपको अपनी शक्ल दिखा रहे हैं और हम जाते हुए टाइगर वाटरफॉल। टाइगर फॉल के लिए रास्ता काफी खतरनाक और नैरो था दोस्तों। 1 घंटे ड्राइविंग के बाद टाइगर वाटरफॉल की पार्किंग में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिल्कुल वाटरफॉल के पास जाना चाहते हैं तो वहाँ भी पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है, और अगर आप ट्रैकिंग का मज़ा उठाना चाहते हैं तो आप अपनी कार को या अपने टू व्हीलर को ऊपर ही पार्क कर सकते हैं, जहाँ से लगभग 45 मिनट्स में आप इजीली वाटरफॉल तक पहुँच जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें, वाटरफॉल तक पहुँचना तो काफ़ी आसान होता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन जब आप वापस जाते हैं ऊपर वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है दोस्तों, और ख़ास तौर से बच्चों को गोद में या कंधे पर बिठाकर। हाँ, एक बात और,
वाटरफॉल तक जाने के लिए आपका एक टिकट भी लगता है जिसकी कीमत होती है 30 रुपए। जी हाँ, 30 रुपीज पर हेड। लेकिन ये पैसे आपके वसूल हो जाते हैं जैसे ही आप वाटरफॉल की कल कल करती आवाजें सुनते हैं। पार्किंग से जैसे ही आप निकलते हैं, वहां से लगभग 100 मीटर की दूरी पर ही वाटरफॉल आपको दिखना शुरू हो जाता है, जो काफी ऊंचा है दोस्तों, काफी बड़ा वाटरफॉल है ये। मैंने जो वीडियोस देखी थी उसमें मुझे लगता था कि वाटरफॉल काफी छोटा सा है, लेकिन जब मैं गया और मैंने देखा तो इट वॉज रियली ऑसम, वंडरफुल। और मैं रोक ही नहीं पाया अपने आप को वहां पर नहाने से। और एक चीज और, आपको पार्किंग के लिए भी 50 रुपए खर्च करने होंगे दोस्तों। नहीं नहीं नहीं, ये वो वाटरफॉल नहीं है दोस्तों, ये तो एक छोटा सा झरना है। अक्षिता, कैसा लग रहा है आपको? और ये अक्षिता अपनी मासी के साथ आगे आगे दौड़ लगाते हुए काफी इंजॉय कर रही है। अक्षिता भी आज काफी बातूनी है मेरी बेटी, अगर एक बार बात करना शुरू कर दे तो फिर नहीं रुकती है। नाउ सी दिस ब्यूटिफुल एंड जाइगैनेटिक वाटरफॉल गाइज, इट्स ऑसम। यू कैन सी लॉट्स ऑफ पीपल आर हैविंग अ बाथ देयर गाइज। आप देख पा रहे हैं कि लोग नहा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं और व्यू तो देखते ही बनता है। मौसम बहुत ठंडा था वहाँ पर, जैसे दिल्ली में जनवरी में होता है ऐसा वहाँ अब था जून में। और अक्की भी नहाने की जिद कर रहा था, इसीलिए मैंने थोड़े से उसके पैर गीले कराए, लेकिन ये फिर भी नहीं माना, शैतान बच्चा। पूरे दिन की जो थकान थी ठंडे ठंडे पानी में नहाते ही छुमंतर हो गई दोस्तों, काफी अच्छा लगा। हालांकि थोड़ा सा पानी, क्योंकि वहां पर बारिश हो रही थी उन दिनों, तो थोड़ी सी जो पानी था थोड़ा सा मडी था, पर कोई नहीं, वी आर फ्रॉम इंडिया, अभी चलता है हमारे लिए, नो प्रॉब्लम गाइस। और वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर विद यू गाइस, जैसे ही वाटर का जो फ्लो था, जो स्ट्रीम थी, जैसे ही आप उसके बिल्कुल नीचे जाते हैं तो बहुत जबरदस्त सर में लगता है पानी, जैसे कि सर पर पत्थर पड़ रहे हो। लेकिन इसका भी अपना एक अलग ही आनंद होता है दोस्तों, इट इज काइंड ऑफ ब्लिस, बहुत अच्छा लगा। और काफी देर तक हमने वहां पर नहाया, और ये जगह भी काफी साफ सुथरी थी दोस्तों। एक बात और आपसे कहना चाहूंगा कि यहाँ पर शराब पीना बिल्कुल मना है, स्ट्रिक्टली वहाँ पर ये बात मेंशन की गई है कि कोई भी यहाँ शराब ना पिए, क्योंकि शराब पीने के बाद कई लोग बॉटल वगैरह फोड़ कर और वहीं फेंक देते हैं, बहुत गंदगी फैलाते हैं, तो इसीलिए अल्कोहल इज प्रोहिबिटेड देयर दोस्तों। और ये देखिए मेरे सर पर पड़ते हुए थपेड़े पानी के, लेकिन इसका भी अपना एक अलग ही मजा है दोस्तों। और नाउ ही इज माई नेफ्यू नमन, और ये झरने के नीचे जाने का प्रयास करते हुए देखते हैं क्या होता है, क्या झेल पाते हैं पानी के बहाव को और थपेड़ों को। और ये पानी के नीचे और ये थपेड़े और ये हो गए हैं लोटपोट। रियली बहुत मजेदार रहा ये मोमेंट हमारे लिए, और सर्दी भी लग रही थी, लेकिन इंजॉयमेंट के मामले में सर्दी को इग्नोर कर दिया हमने। और ये देखिए माय डॉटर अक्षिता और अक्षिता की मासी खुशबू और मेरी बड़ी दीदी काफी एंजॉय कर रहे हैं। और अगर आप भी इस वाटरफॉल में नहाते हैं तो कोशिश करें कि स्लीपर्स पहन के या जूते पहन के नहाएं, क्योंकि काफी सारे छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो पैरों में चुभते हैं
और थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फिर वॉक कर पाना पानी के अंदर। ये देखिए काफी एंजॉय करते हुए वॉटरफॉल में। और ये अक्की बिल्कुल नहाने की जिद करते हुए थोड़ा सा ही नहलाया मैंने और इसने कांपना शुरू कर दिया क्योंकि जिद्दी बहुत है छोटा सा बच्चा। हालांकि उसके बाद इसने फिर नहाने की जिद नहीं की। और ये हम आ गए हैं वापस होम स्टे जहां हम ठहरे हुए थे। और यहां से देखिए कमरे से बाहर हमने विंडो ओपन की तो जो व्यू सामने था वो ये था दोस्तों। और काफी ठंडा मौसम था। और जब अगले दिन हम उठे तो बाहर बारिश हो रही थी। 12:30 पर बारिश रुकी और ये था 18 जून 2022। और बाहर का मौसम बहुत ही सुहाना था दोस्तों। 18 जून डेट क्या अक्षिता जी? 18 जून गाइस यहां पे इतनी सर्दी हो रही है। यहां पे सर्दी गर्मियों में सर्दियों का मौसम दिखाई दे रहा है। हम उठने को हो गए एकदम उठने को हो गए भाई। तो कैसा लग रहा है सभी को? बहुत बढ़िया, ठंड भी लग रही है। दोस्तों फिर हमने कोटी कनेसर करके एक जगह थी वहां जाने की योजना बनाई। और ये जगह काफी फेमस थी, काफी पॉपुलर थी यहाँ के बहुत ही पुराने और बड़े देवदार के पेड़ों के लिए। लगभग 12:30 हम निकल पड़े और लगभग 2:15 की ड्राइविंग के बाद हम पहुंचे कोटी कनेसर। लेकिन जो रास्ता था कोटी कनेसर के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब था, बहुत ही ज़बरदस्त और बढ़िया था। बस मन लग जाएगा आपका अगर वहां जाएंगे तो। आप मुझे लगता है चक्राता से ज़्यादा शहर में रहने से ज़्यादा अच्छा है कि वहां पर आप राइड पर जाए, लॉन्ग ड्राइव पर जाए। रास्ते बहुत ही औसम है, बहुत ही सुंदर पर्वत है, पहाड़ है और मौसम बहुत ठंडा होता है जून में। गाइस हम जा रहे चक्राता से कोटी कनेसर और ये पूरा रास्ता इतना ब्यूटीफुल है कि हमें बहुत मजा आ रहा है। और ये अब हम बादलों के अंदर घुस रहे हैं। अब ये सीन दिखा दो रास्ते छोड़ा, वो देखिए बादल। वाओ दैट्स अमेजिंग भाई साहब, क्या व्यू है, देखते ही मतलब मजा ही आ गया। ऐसे लग रहा है कि यहाँ बैठे रहे आराम से और बस पर्वतों को देखते रहे। और जब तक हम कोटी कनेसर पहुंचे दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर चक्राता आप जाते हैं तो वहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे आपको कोई भी ऐसा रेस्टोरेंट नहीं मिलता जहाँ पे आपको केवल और केवल शाकाहारी खाना मिले। ज़्यादातर आपको मांसाहारी और शाकाहारी एक साथ मिलता है। लेकिन एक जगह हमें ऐसी मिली जहाँ पर हमें शुद्ध शाकाहारी भोजन मिला और ये जगह थी चौहान मार्केट चक्राता। और जैसे ही हम कनेसर पहुंचे दोस्तों हमारी सबसे पहले मुलाकात हुई एशिया के सबसे बड़े और पुराने देवदार के पेड़ से। जी हाँ दोस्तों, ये 2 या 3 पेड़ थे जो काफ़ी पुराने और काफ़ी बड़े थे। इन्हें एशिया का सबसे पुराना पेड़ कहा जाता है। ये जगह एक छोटे से बुग्याल जैसी थी, यानी कि यहाँ पर समतल मैदान आ जाता है और ग्रीन घास होती है चारों तरफ और काफ़ी अच्छा है देखने में। और एक भोलेनाथ का छोटा सा सुंदर सा मंदिर है वहाँ दोस्तों। लेकिन ये छोटा सा ही एक एरिया है और यहाँ पर ज़्यादा कुछ मुझे खास नहीं लगा। हालांकि मेरे बच्चों ने और मेरे परिवार ने काफ़ी इंजॉय किया यहाँ पर, इवन मैंने भी इंजॉय किया। कुछ देर लगभग आधे घंटे हमने यहाँ गुजारे और उसके बाद हमने लोकल्स जो थे वहाँ पर उनसे बात की और हमने जानकारी प्राप्त की कोटी के बारे में। एंड दे टोल्ड अस कि कोटी भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है जैसा कनेसर है। और काफ़ी देर वहाँ लगभग आधे घंटे गुजारने के बाद हमने प्लान किया वापस आने का, क्योंकि लगभग 5-6 किलोमीटर और हमें आगे जाना था, जो थोड़ा सा मुझे गुड आइडिया नहीं लगा क्योंकि लोगों का कहना था ऑलमोस्ट दोनों जगह एक ही है।
सो हमने प्लान किया कि हम जाएंगे चिरमिरी टॉप। जी हाँ, ये बिल्कुल चकराता की लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर ही है, जिसे बोलते हैं चिरमिरी या चिरमिरी टॉप। यानी बिल्कुल हम टॉप पर जाते हैं और टॉप पर जाने के बाद हम वहाँ से एक बहुत ही शानदार व्यू का आनंद ले सकते हैं। जी हाँ, ये रहा वो चिरमिरी टॉप। अरे कैसे लाइन से खड़े सब लोग, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत मजा आ रहा है, बहुत ठंड लग रही है, सर्दी बहुत है। और जब यहाँ आओ तो अपने बुलेन क्लोथ जरूर लेकर आओ। अच्छा जी, ठीक है। और सच में नेक्स्ट लेवल व्यू था दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर और देख के काफ़ी अच्छा लगा। वहाँ पर हमने लगभग 15-20 मिनट्स वहाँ पर स्पेंड किए, जो बहुत ही ज़बरदस्त थे। और उसके बाद हमने अगले दिन मॉर्निंग में प्लान किया देहरादून जाने का। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हमारे पास एक दिन अभी भी था। चक्राता में 2 दिन बिताने के बाद जा रहे हैं यहाँ से देहरादून। बहुत अच्छे, जब तक पूरा सेंटेंस करेगी तब तक हम पहुँच जाएंगे। और क्या।